ये 3 TWS मैंने परचेस करे हैं सिर्फ और सिर्फ 1000 rupees की प्राइस में फ्लिपकार्ट से। कुछ चीजों का मैंने ध्यान रखा है। पहली चीज तो 4 स्टार और उसके अबाउ की रेटिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज मैंने ये देखी है यहाँ पर कि तीनों ही लेटेस्ट लॉन्च हो, विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स के अराउंड ये तीनों TWS लॉन्च हुए हैं यहाँ पर। लेकिन मंगवाए कौन कौन से वो एक बार बता देती हूँ। पहला है मीवी कमांडो Z7, दूसरा है बोट इमोर्टल 100 एंड तीसरा है मेरे पास यहाँ पर बोल्ट का Y1 Pro। तीनों को परचेज करने के लिए ना 1000 रुपये से एक पैसा भी आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको इस वीडियो से ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको इन तीनों में से कौन सा परचेस करना चाहिए। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पर शुरुआत करने वाली हूँ तीनों ही TWS की बिल्ट, फिट, कंफर्ट एंड लुक्स वगैरह से। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को फिट एंड कंफर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है किसी भी TWS में। बिकॉज अगर वही अच्छा नहीं हुआ देन कितना भी महंगा ले लो कोई पॉइंट नहीं है इस चीज़ का। तो मैंने एक चीज़ तो मेक श्योर करी थी कि मैं यहाँ पर तीनों को ही ना स्टैम डिज़ाइन के साथ मंगवाऊँ, बिकॉज वो बुलेट डिज़ाइन तो इन एनी विच वेज मेरे कान में अच्छे से फिट बैठती नहीं है। तो स्टैम डिजाइन मैंने मंगवा तो लिया, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ना मुझे मीवी वाले TWS लगे हैं अपने कान में। मतलब इनको पहन के तो मैंने सो भी जाती थी ना, तब भी मुझे अनकंफर्टेबल नहीं फील होता था। जबकि बोट भी वैसे देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन मुझे लगा है थोड़ा सा मेरे कान के लिए ना बड़ा है ये, मतलब इतने अच्छे से फिट नहीं बैठता। इस वजह से जब रात को सोती हूँ तो थोड़ा सा बाहर निकला होता है, कई बार निकल जाता है, कई बार अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन बोल्ट को तो पहन के रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मतलब 2 दिन तक की टेस्टिंग में मुझे सबसे मुश्किल हुआ है इसको वेयर करके रखना, चाहे डे टाइम पर हो चाहे नाइट टाइम पर हो। मतलब ये बहुत अनकंफर्टेबल था। बट एनीवेज, अगर इनके केस वगैरह के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखो, अगर आप उनमें से हो जिसको कॉम्पैक्ट केस चाहिए, आप हमेशा पॉकेट में लेके घूमते रहते हो, देन मेरे अकॉर्डिंग बोल्ट का सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। बट यार इसका जो ये केस का कवर है ना वो बहुत ही फ्लिम्जी और क्लम्जी टाइप का ऐसा लग रहा है, बस ज़्यादा बार आपने इसे खोला बंद किया तो ये चला जाना है। तो मुझे इसकी बिल्ट नहीं पसंद आई है, ऑल्दो ये कॉम्पैक्ट है। लेकिन ये दोनों जो है ना, इनमें से देखो मीवी सबसे ज़्यादा मोटा सा तो यही है, तो अनकंफर्टेबल हाथ में लग सकता है। अगर आप पॉकेट में रखना पसंद करते हो देन मेरे अकॉर्डिंग ये शायद सबसे बेकार रहे आपके लिए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मुझे सबसे अच्छा लगा है ना वो मीवी का ही है केस के हिसाब से भी। क्योंकि अगर आप इसको खोल के देखोगे ना तो यहाँ पर ऐसे डुअल टोन डिज़ाइन है और इधर एजेस में इस तरह से यहाँ पर RGB लाइट दे रखी है जो कि सटल है, अच्छी लग रही है। बोट भी मैंने RGB वाला ही परचेस किया था, लेकिन यहाँ पर जो RGB लाइट्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्लिंगी है। तो मुझे ज़्यादा बेटर डिज़ाइन के हिसाब से या फिर कंफर्ट के हिसाब से बात करूँ तो मीवी मुझे सबसे अच्छा लगा है। देन मैं बोट को भी यहाँ पर उसी पे रखूंगी। मतलब दोनों ही अच्छे हैं, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन बोल्ट यार इसके केस जो यहाँ पर लूज तरीके का है या फिर जो इसका कंफर्ट है ये मेरे लिए सबसे बेकार है इन तीनों के कंपैरिजन में। खैर, इसके अलावा अगली चीज़ जो मेरे को मैटर करती है TWS में वो है कॉल क्वालिटी। बिकॉज मैं काफ़ी सारे कॉल्स TWS से ही पिक करती हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी साउंड अच्छी आनी चाहिए। तो मैंने तीनों को टेस्ट किया एंड मैं शॉक रह गई, बिकॉज मेरे को लगता है कि बोट वाला मेरे को डिफेक्टिव मिल गया है। इसमें कॉल्स मैं जब इसे लेती हूँ या फिर किसी को भी कॉल लगाती हूँ सामने वाले को आवाज़ ही नहीं पहुँचती है, जबकि ये क्वाड माइक के साथ आता है। बोल्ट भी क्वाड माइक के साथ आता है लेकिन मीवी में डुअल माइक सपोर्ट यहाँ पर दे रखा है, बट बोट काम ही नहीं कर रहा है। प्लीज़ किसी ने परचेज किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या ये ऐसा ही है या फिर ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मेरे अकॉर्डिंग तो मोस्ट प्रोबेबली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, तो इसकी साउंड मैं आपको सुना नहीं सकती हूँ, लेकिन आप यहाँ पर मीवी और बोल्ट की ऑडियोज को सुन सकते हो। तो ये कॉल मैंने लगाई है यहाँ पर मीवी TWS को वेयर करके, किस तरह की साउंड क्वालिटी है, मेरी ऑडियो किस तरह से डिलीवर हो रही है सामने वाले को, और वॉइस ब्रेक हो रही है नहीं हो रही है, ये सब कुछ आई के आपको यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए। तो अब मैंने कॉल लगाई है बोल्ट वाले TWS को वेयर करके यहाँ पर, और यहाँ पर किस तरह की साउंड क्वालिटी है, मेरी ऑडियो कितनी अच्छे से डिलीवर हो रही है और किस तरह का सुनाई दे रहा है, वो आई गेस आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि आप इससे कॉल ले सकते हो या फिर नहीं। मेरे अकॉर्डिंग दोनों की ही यहाँ पर साउंड क्वालिटी अच्छी है, मैं दोनों में से किसी को भी पिक कर सकती हूँ अपने यूज के लिए। तो अभी बोट में अगर है ही नहीं अच्छा तो बर्बाद यही है सबसे यहाँ पर। एनीवेज, अब यहाँ से बढ़ते आगे और बात करते हैं इन तीनों की साउंड क्वालिटी पर। कहने का मतलब, अगर आप उनमें से हो जो TWS पहन के काफ़ी ज़्यादा म्यूजिक सुन रहे हो या फिर पॉडकास्ट वगैरह मूवीज़ वगैरह देख रहे हो, तो वहाँ पर आपके लिए कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखो, मैं ज़्यादा उलझाऊंगी नहीं आप लोगों को, मैं सीधा सबसे पहले तो एक चीज़ बता दूँ, मीवी जो है वो 13mm के ड्राइवर्स के साथ आता है और बाकी जो दो हैं वो 10mm के ड्राइवर्स के साथ आता है। एंड डेफिनेटली इसकी वजह से डिफरेंस क्लियर है, क्योंकि इसके जो साउंड क्वालिटी है ना वो काफ़ी रिच है। आई मीन बेस भी अच्छा है, मिड्स
हाई, सबको बहुत बैलेंस किया गया है। इंस्ट्रूमेंट साउंड काफ़ी अच्छा है, क्लियरिटी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है। तो कहने का मतलब मैं ये बोलूँगी 1000 रुपये का है, लेकिन लग नहीं रहा है कि ये 1000 रुपीज़ का है, इतनी अच्छी इसकी साउंड क्वालिटी है। जबकि वहाँ पर बोट मतलब बहुत ही बेकार है, इसको तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी किसी को भी। हाँ, अगर आप उनमें से हो जिसको सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि नहीं मेरे को मूवीज़ वगैरह मैं बहुत ही थोड़ा बहुत कंटेंट देखता हूँ, म्यूज़िक तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा, तो फिर भी चल जाएगा क्योंकि वोकल्स में ऐसे क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन वो म्यूज़िक के लिए तो मुझे लगता है इन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। बोल्ट कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लाया करता है, मतलब इसकी तरह बोट की तरह प्लेन भी नहीं है, लेकिन मीवी की तरह इतना अच्छा भी नहीं है। तो ये वैसा ही है जैसा 1000 रुपये में एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मीवी सीरियसली इम्प्रेसिव है यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर तीनों ही TWS के अगर बैटरी चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में मैं बात करूँ ना, तीनों में टाइप सी दे रखा है, तीनों में वो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, मतलब 10 मिनट्स चार्ज करोगे बोट को तो 100 मिनट्स तक का प्लेबैक टाइम, बोल्ट ने 120 मिनट्स तक का प्लेबैक टाइम दिया है, मीवी ने यहाँ पर 10 मिनट्स की चार्ज में आपको 500 मिनट्स तक का प्लेबैक टाइम यहाँ पर ऑफर कर रहा है। एंड एक और चीज़ बता दूँ कि सिंगल चार्ज में ना बोट ने यहाँ पर क्लेम किया है कि 30 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा, बोल्ट में आपको 60 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा, एंड मीवी ने क्लेम किया कि 50 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा। अभी देखो जो ये क्लेम करते हैं ना, ये बहुत ही आइडियल कंडीशन में होता है, लेकिन मेरे यूसेज के हिसाब से मैं फॉर श्योर एक चीज तो आपको बोल सकती हूँ कि बोल्ट ने जो यहाँ पर क्लेम किया है ना 60 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम, वो डेफिनेटली आसपास भी नहीं है, मतलब नहीं वो इतना चल पाता है। मेरे अकॉर्डिंग 35 आवर्स तक का आप उसको मान सकते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है अगर आपको बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट थोड़ा मैटर करता है, वैसे तो हर पर्सन के यूसेज पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी यूज़ करके मुझे जितना समझ में आया उस हिसाब से अगर बोलूँ तो मीवी शायद से ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर ऑफर करेगा। और उसके केस के साइज़ को देख के समझ में भी आता है कि उसके केस में ना काफ़ी अच्छी खासी बड़ी बैटरी यूज़ की होगी। लेकिन एक और चीज़ मैं साथ के साथ ही क्लियर कर दूँ कि ये तीनों TWS ना मैंने खुद ने अपने पैसों से परचेज किए हैं, तो जो भी रिव्यू मैं यहाँ पर कर रही हूँ, जो भी टेस्टिंग कर रही हूँ, वही इस रिजल्ट में आपको शो हो रहा है, और मेरा किसी ब्रांड से कोई एसोसिएशन नहीं है, तो टोटली मेरे खुद के ओपिनियन और मेरा खुद का रिव्यू है ये। खैर जो भी है, अब इन सब से हटके अगर बात की जाए थोड़े इनके बेसिक फीचर्स वगैरह के बारे में, तो देखो बेसिक फीचर्स है तीनों में एक तरीके के ही हैं थोड़े, तो मतलब तीनों ही ब्लूटूथ 5.3 वर्जन के साथ आते हैं, तीनों में ही आपको IPX4 IPX5 टाइप की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। एक और चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि वो वॉइस प्रॉम्प्ट ना बजट TWS में सुनने को मिलता है, जब आप कनेक्ट कर लेते हो या फिर डिसकनेक्ट करते हो या फिर किसी मोड में स्विच करने को मिलता है तो वॉइस प्रॉम्प्ट सुनाई देता है, वो वॉइस प्रॉम्प्ट ना बोट में मिसिंग है, बाकी दो में सुनने को मिलता है, तो थोड़ा कन्वीनियंट फीचर होता है, इस वजह से मुझे बोट यहाँ पर नहीं इतना जमा है। दूसरी चीज लेटेंसी, अगर आप गेमिंग के लिए TWS लेने का सोच रहे हो तो वैसे तो मुझे TWS में गेमिंग करना नहीं जमता है क्योंकि थोड़ा लेटेंसी देखने को मिलता है, बट स्टिल अगर इनकी लेटेंसीज के बारे में बात करूँ तो मीवी सबसे बेस्ट है क्योंकि 35 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी के साथ आता है, बोल्ट और बोट जो है वो 40-45 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी के साथ आते हैं। देखो वैसे ज्यादा डिफरेंस तो इतना नहीं है, 5-5 सेकंड के वो लेटेंसी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना मैंने गेमिंग करा है मुझे मीवी में ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है, साउंड की वजह से भी और थोड़ा बहुत लेटेंसी की वजह से भी आप बोल सकते हो। और दूसरा ये जो आप टच करके जो वॉइस ट्रैक को चेंज कर मतलब म्यूजिक ट्रैक को चेंज कर सकते हो या फिर वीडियो को प्ले पॉज कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, ये मीवी में बहुत ही अच्छे से काम करता है, मतलब टच सेंसर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। बोल्ट में क्या है कि आप ये वॉल्यूम अप डाउन तो यहाँ पे कर सकते हो लेकिन वो कभी काम करता है कभी नहीं काम करता, बोट में तो मुझे वॉल्यूम अप डाउन का पता ही नहीं लगा कैसे काम करता है भी या फिर नहीं, कुछ ज़्यादा पता नहीं, किसी ने यूज़ कर रखा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन हाँ, इन बेसिक फीचर्स को ध्यान में रख के भी अगर मैं बोलूँ ना तो मुझे लगता है मीवी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज लेके तो जाता है। अभी ऑनेस्टली अगर आपको इन तीनों में से कोई परचेज करने का सोच रहे हो, देखो यहाँ पर ना बोट इन दो से सस्ता है, ये दोनों 999 की प्राइस के है और ये 800-850 तक की प्राइस में मिल जाता है, बट अगर आपको ये 150 रुपये मैटर नहीं कर रहे ना, मैं जेन्युइनली बोलूंगी मीवी सबसे बेस्ट है, चाहे साउंड क्वालिटी हो, चाहे बिल्ड क्वालिटी हो, चाहे इसकी कॉल क्वालिटी हो, मेरे अकॉर्डिंग ये अपनी प्राइस को काफ़ी अच्छे से जस्टिफाई कर रहा है। बट हाँ, आप इन तीनों में से कौन सा परचेज करने वाले हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। बाकी तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।